अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज का नया व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग है पीवीसी आर्च। आइए आपको दिखाते हैं कैसे बनती है पीवीसी आर्च। सबसे पहले मार्किंग करेंगे। ये जी हमारी आर्च बन रही है, इसकी मार्किंग हो रही है पीवीसी आर्च। ये अभी फ्रेम कटिंग करेंगे। ये वाला फ्रेम है ना, जो ये उधर कटिंग मशीन है, ये वाली कटिंग। उस कटिंग करने के बाद ये वो वाली वेल्डिंग मशीन है, ये वाली। इधर ये पीवीसी है ना, इधर वेल्डिंग होता है आर्च, उसका भी दिखाते हैं आपको। ये अभी कटिंग स्टार्ट हो रही है। ये सेटिंग आ रहा है भाई अभी। ये ऐसे ही पूरे जो है ना आर्च कटिंग कर लेंगे। ये वाली, ये भी सेकंड है, उसके बाद ये वाली करेगी, इसकी अभी कटिंग करेंगे मेजरमेंट लेके। ये प्रोफाइल कटिंग करने के बाद अभी डालेंगे उसके अंदर स्टील। स्टील भी इधर कटिंग होते हैं। ये भाई ने स्टील कटिंग दी है, ये कटिंग वाला है, स्टील कटिंग वाली मशीन है। ये भी आपको दिखाते हैं। ये इसके साथ जो है ना मेजर सेट करते हैं। ये भाई मेजर सेट कर रहा है। ये अभी फ्रेम के अंदर स्टील डालेंगे। इससे जो है ना विंडो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, यानी कि पावरफुल हो जाती है। इसकी सपोर्ट है, दोनों साइड पे स्टील डालेंगे। इसके बाद स्क्रू मारेंगे। स्टील के बाद इसको जो है ना इसके अंदर डालेंगे। सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है, ये वाली मशीन, वेल्डिंग मशीन। ये जो प्लास्टिक को वेल्डिंग करते हैं ना, पीवीसी को, सबसे मेन चीज़ यही है, ये सामने वाली मशीन। इसके अंदर जो है ना इसको वेल्डिंग करते हैं। ये भाई अभी जो है इसकी सेटिंग कर रहे हैं। ये वाली मशीन सबसे मेन है।
ये अभी पीवीसी जा रही है जो है ना इस मशीन के अंदर, पीवीसी फ्रेम वेल्डिंग के लिए। ये इसकी सेटिंग हो रही है। ये आर्च का पीस ऊपर लग गया अभी। ये जो चीज़ है ना, ये जॉइंट, ये इसमें वेल्डिंग हुए। ये जी हमारी आर्च लग गई अभी वेल्डिंग में, अभी ये वेल्ड होकर निकलेगी जॉइंट में। आपको दिखाते हैं जो है ना आर्च, बहुत ही प्यारी बनेगी। हमारे साथ ही ना ये देखिए सामने जो है ना वेल्डिंग हो गई है, ये बिल्कुल अभी ये वाली साइड करेंगे। ये वाली साइड भी वैसे ही सेम करेंगे जैसे वो वाली की है ना वेल्डिंग, वैसे ही सेम। ये इधर से वेल्डिंग गर्म है अभी थोड़ी, ये देखिए जॉइंट भी। इसके अंदर स्टील है, बहुत ही मजबूत है ये आर्च। ये दूसरी साइड भी अभी लगी है मशीन में वेल्डिंग के लिए। ये जी हमारी आर्च हो गई है मुकम्मल।